हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। आज हम बात करेंगे पीएचपी के बेसिक स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे टॉपिक बेसिक स्क्रिप्टिंग के, तो जिसमें हमने कुछ एक प्रैक्टिस प्रोग्राम भी देखे थे, तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस प्रोग्राम लूप्स के बारे में। तो जैसे कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो लूप्स होते हैं, उसी तरह से पीएचपी स्क्रिप्ट में भी लूप्स अवेलेबल रहते हैं। फॉर लूप है, वाइल लूप है, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम में हमने देखा था कि एक पीएचपी की स्क्रिप्ट को हम कैसे रन कर सकते हैं। तो एक टूल है ज़ैम्प, उस ज़ैम्प टूल के थ्रू हमने उसको इंस्टॉल करके और ये पीएचपी के प्रोग्राम रन किए थे। ये स्टेप्स थे जो हमें ज़ैम्प के अंदर करने थे, और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना था। उसके बाद में हम एस टी डॉक्स फोल्डर में अपना प्रोग्राम लिखते हैं और एस टी टी पी लोकल होस्ट करके इसको रन करते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, तो एस टी डॉक्स डायरेक्ट्री हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर हम जाकर प्रोग्राम नोट करते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम में क्लियर किए थे, जैसे कि ये एक पीएचपी का सिंटैक्स स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इको कीवर्ड है, और ये एक वेरिएबल्स और उस तरह के प्रोग्राम हमने करे थे। आज हम पीएचपी लूप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। ठीक है, तो ये एक सिंपल वाइल लूप का सिंटैक्स है पीएचपी के अंदर, जैसा कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर होता है, ठीक उसी तरह से वाइल लूप की एक कंडीशन जो है वो वाइल लूप के अंदर हम जो देते हैं, उसमें एक स्पेशल बात ये है कि ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। जैसे फॉर लूप भी है, वो भी एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन हम पहले चेक करते हैं। यहाँ पर हम देखिए पहले कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है जैसे कि डॉलर एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो डॉलर एक्स क्या है, यहाँ पर एक एक्स एक वेरिएबल है। पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स को हम डॉलर से इंडिकेट करते हैं। तो डॉलर एक्स लेस देन इक्वल टू 5 की हमने कंडीशन चेक करी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस इको स्टेटमेंट पर आएंगे। ठीक है, तो इको स्टेटमेंट में क्या होगा, ये लिखा आएगा द नंबर इज और जो भी उस एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक HTML फाइल शुरू करते हैं, HTML बॉडी, उसके अंदर यहाँ से PHP का सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं। PHP का सिंटैक्स है एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और PHP। ठीक है, यहाँ से PHP स्टार्ट होती है। उसके बाद में हम एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक x एक वैल्यू ली है। अगेन PHP के अंदर हमको ये इनिशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। ऑटोमेटिकली PHP जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन कर देती है। तो यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का ऑटोमेटिकली x एक वेरिएबल बन जाएगा। नाउ x की इनिशियल वैल्यू है 1, वाइल लूप में हमने लिखा है डॉलर x लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन अभी के हिसाब से देखें तो डॉलर x की वैल्यू है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर एंटर करेंगे। लूप के अंदर एंटर करते ही हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो है इको द नंबर इज डॉलर एक्स और br। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई तो हम इको स्टेटमेंट पर आएंगे और जो नंबर है वो प्रिंट होगा द नंबर इज 1। br क्या है, br एक HTML का टैग है जो कि लाइन ब्रेक करने के काम में आता है। तो जैसे कि हम स्टेटमेंट देंगे द नंबर इज 1, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा वो अगली लाइन में आएगा द नंबर इज 2, इस तरह से। ठीक है, और फाइनली जो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है वो है डॉलर एक्स प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, एक एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि पहली बार में वैल्यू होगी 1, फिर स्टेटमेंट आएगा द नंबर इज 1, फिर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर वापस से नंबर इज 2, फिर 3, इस तरह से अप टू 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन दी लेस देन इक्वल टू, तो अप टू 5 तक ये कंडीशन ट्रू होगी और ये लूप इटरेट करता रहेगा। ठीक है, फाइनली जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे ही 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वाइल कंडीशन फॉल्स होते ही हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लूप के बाहर हमने क्या किया है, लूप के बाहर हमने पीएचपी के क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखा है क्वेश्चन मार्क क्लोज। ठीक है, और उसके बाद में हमने लास्ट में बॉडी और HTML टैग को क्लोज किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास आउटपुट में आएगा द नंबर इज 1, नंबर इज 2, नंबर इज 3। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है लास्ट में डॉलर एक्स प्लस प्लस। तो इससे क्या होगा, बार बार लूप इंक्रीमेंट होकर इस कंडीशन को चेक करता रहेगा और हम
अलग अलग स्टेटमेंट प्रिंट करते रहेंगे, द नंबर इज वन, नंबर इज टू, नंबर इज थ्री, इस तरह से। ठीक है, इस प्रोग्राम को एक बार ध्यान से देखिए। तो इस तरह से हम एक इजीली वाइल लूप का सिंटैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन वाइल लूप जो है एंट्री कंट्रोल लूप है, ये हमें ध्यान देने की बात है कि कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एक भी बार हम लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, और फाइनली हमको HTML और बॉडी टैग को क्लोज भी करना है। ठीक है, क्योंकि HTML टैग्स हमने PHP के अंदर काम में लिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, डॉक टाइप HTML, HTML टैग, बॉडी टैग, PHP स्टार्ट, PHP क्लोज, इको के अंदर हमने लिखा है वाइल लूप, $x एक वैल्यू लिए, वाइल कंडीशन चेक किए, $x लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, और नंबर इज $x, तो नंबर इज 1, नंबर इज 2, इस तरह से हमको प्रिंट होके आउटपुट में जनरेट होता रहेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हमको रन करना है। ठीक है, तो रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पहले तो XAMPP के अंदर HCDocs इसके अंदर ये फाइल सेव करनी है। यहाँ पर देखिए AEX5 करके हमने ये फाइल ऑलरेडी सेव करके रखी है, example5.php। ठीक है, और इसके अलावा हमको XAMPP के अंदर जाके अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी और हमारी फाइल इस HTDocs के अंदर होगी, तो हम ये प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अपाचे वेब सर्विस स्टार्ट है और हमारा प्रोग्राम HTDocs के अंदर रखा है। तो अब हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाके इजीली लोकल होस्ट और इस प्रोग्राम का नाम ऐसा लिखेंगे और प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं लोकल होस्ट रन चला के देखते हैं। लोकल होस्ट पे क्या आता है, हमारे पास XAMPP का डैशबोर्ड आना चाहिए। ये देखिए XAMPP का डैशबोर्ड हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर इस डैशबोर्ड की जगह हमें प्रोग्राम का नाम लिखना है ex5.php, और ये हमारा आउटपुट है वाइल लूप, द नंबर इज 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस तरह से हमको 5 तक का आउटपुट मिल गया है। 5 तक क्यों मिला है, क्योंकि कंडीशन हमने दी है वाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अगर हम चाहें तो जैसे इस वैल्यू को अगर मैं 6 कर दूं तो हमारे पास वहां पर आउटपुट में क्या आएगा, एक और नंबर रो ऐड हो जाएगी, द नंबर इज 6, एक लाइन यहां पर और ऐड हो जाएगी। ये देखिए यहां पर आउटपुट में अब आ रहा है द नंबर इज 6, ये एक लाइन और ऐड हो गई, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये था एक सिंपल वाइल लूप का सिंटैक्स। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप के बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप मींस कंडीशन हम एग्जिट पे चेक कर रहे हैं, एंट्री पे चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए वाइल एक्स इज लेस देन 5, ये हमने कहाँ लिखा है, एग्जिट पर। ठीक है, न के एंट्री पॉइंट पर। तो लूप एक बार तो रन होगा ही होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम देखते हैं, $x=1, डू इको द नंबर इज $x और br, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा द नंबर इज 1, फिर x की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट किया $x++ से, तो क्या होगा, x की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ठीक है, पहली बार में 1 थी, डू वाइल से हमने प्रिंट किया द नंबर इज 1 और br से हमने लाइन ब्रेक किया, अब वैल्यू हो जाएगी 2। फिर हमने कंडीशन चेक की है $x<= 5, तो ये कंडीशन अभी ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो फिर हम वापस इको स्टेटमेंट पर आएंगे और नंबर इज 2 ऐसा प्रिंट कर देंगे, फिर वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ट्रू है तो फिर हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे 3, फिर हो जाएगी 4। इस तरह से 5 तक ये वैल्यू इसी तरह से चलती रहेगी, और 5 से ज़्यादा होने के बाद में जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हम इस लूप से एग्जिट कर जाएंगे। अब ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। एक PHP इको के अंदर हमने लिखा है डू वाइल लूप, ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल दिए, और यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा है $x1, डू डू के अंदर नंबर की वैल्यू को हमने प्रिंट किया है इको में, और लास्ट में x++ और वाइल कंडीशन हमने लिखी है कि नंबर इज लेस देन 5 और नॉट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक आउटपुट में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आता रहेगा। तो यहाँ पर आउटपुट देखिए डू वाइल लूप, द नंबर इज 1, नंबर इज 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस तरह से हमको आउटपुट में ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल डू वाइल लूप का। ठीक है,
अगेन इसको अगर मैं चेंज कर दूँ तो वापस हमें भी आउटपुट में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर दूँ तब भी एक बार तो लूप रन होगा ही होगा। देखिए x लेस देन इक्वल टू जीरो है और x की इनिशियल वैल्यू है 1, तो 1 इज नॉट लेस देन जीरो, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन तब भी एक आउटपुट आएगा, द नंबर इज 1। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल नहीं, एग्जिट कंट्रोल लूप है। मीन्स एक बार तो एंटर होगा ही होगा, एक बार तो ये लूप रन करेगा ही, उसके बाद ये लूप ब्रेक कर देगा कंडीशन फॉल्स होने के कारण, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, डू वाइल लूप जो है वो एक बार तो रन होगा ही होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डू वाइल लूप को चेक कर सकते हैं। अब हम थर्ड लूप देखते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप जो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है, सेम सिंटैक्स होता है इसका भी, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर होता है वैसा ही। तो यहाँ पर फॉर इनिशियलाइजेशन होता है, डॉलर एक्स इक्वल टू जीरो ये इनिशियलाइज, ये कंडीशन एक्स लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखते हैं। तो जैसे कि हम डू वाइल या वाइल लूप के अंदर करते हैं, इनिशियलाइजेशन हमारा अलग होता है, फिर कंडीशन हम वाइल के अंदर डालते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप के अंदर होता है। तो जैसे कि यह देखिए डॉलर एक्स इक्वल टू 1 ये इंक्रीमेंट लूप के अंदर लिखा है और कंडीशन वाइल के अंदर, तो ये तीनों कंबाइन करके हम फॉर लूप में एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इको के अंदर हमने अगेन नंबर की वैल्यूज को प्रिंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लूप चलेगा 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम है फॉर लूप का, ठीक है। डॉलर एक्स इक्वल टू जीरो ये इनिशियलाइज, यहाँ पर कंडीशन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, हम इसको वापस 10 कर देते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू 10, और डॉलर एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो नंबर को प्रिंट किया है, डॉलर एक्स नंबर इज डॉलर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, 0 से लेकर 10 तक। हाँ, ये हमें चेक करना है कि हमारी अपाचे वेब सर्विस ऑन रहनी चाहिए। ये देखिए आउटपुट फॉर लूप का, नंबर इज 0 से लेकर 10, नंबर इज 10, ठीक है। तो ये हमको एक फॉर लूप में आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। फॉर लूप भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है, तो अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स होगी तो लूप एक भी बार रन नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है कि डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है और फॉर लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। अब हम बात करते हैं एक लास्ट लूप की, फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप PHP के अंदर एक स्पेशली केस के लिए काम में आता है, जैसे किसी एरेस के अंदर सारे एलिमेंट मुझे प्रिंट करने हैं तो उसके लिए मैं फॉर ईच लूप काम में लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पीएचपी प्रोग्राम में मैंने कलर्स नाम का एक एरे बनाया है। एरे क्या होता है, सेम टाइप के आइटम्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पर एक एरे एक फंक्शन है, तो उसके थ्रू मैंने कलर्स नाम का एक एरे बनाया है, उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट दिए हैं, रेड पहला एलिमेंट, ग्रीन दूसरा एलिमेंट, ब्लू तीसरा एलिमेंट, ठीक है। तो ये एरे हो गया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों कलर के नाम है, और इस वेरिएबल एरे वेरिएबल का नाम क्या है, कलर्स। अब मैं सपोज इस कलर्स के सारे आइटम्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, एक फॉर ईच लूप लगाना होगा। उसके अंदर मैं लिखूँगा डॉलर कलर्स एज डॉलर वैल्यू, ठीक है। तो जो डॉलर वैल्यू है उसके अंदर इस कलर्स एरे के सारे आइटम्स आ जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो अब मैं जैसे लिखूंगा इको डॉलर वैल्यू, तो पहली बार में मुझे क्या प्रिंट होगा, रेड कलर, दूसरी बार में वैल्यू के अंदर आएगा ग्रीन कलर, और तीसरी बार में आएगा ब्लू कलर, ठीक है। तो इस तरह से एक एक आइटम के ऊपर ये वैल्यू इटरेट होती रहेगी और हम इसको प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। अब इसको हम प्रोग्राम में बना के देखते हैं। यहाँ पर BR फॉर ईच लूप हमने लिखा है, एक एरे बनाया है 3 एलिमेंट, रेड ग्रीन ब्लू का, फॉर ईच कलर्स एज वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू को हमने प्रिंट किया है, ठीक है। तो डॉलर वैल्यू जो है उसको, उस वेरिएबल को हमने यहाँ प्रिंट किया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अब इस सब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो हम देखते हैं फॉर ईच लूप रेड, फिर दूसरा आइटम आया है ग्रीन, और तीसरा आइटम आया है ब्लू, ठीक है। इस तरह से हमको फॉर ईच लूप जो है स्पेशल लूप है, जो कि किसी भी एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए काम में आता है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर भी अवेलेबल होता है, तो ये लूप को ब्रेक करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं फॉर डॉलर आई इक्वल टू वन, डॉलर आई लेस देन इक्वल टू टेन और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये फॉर लूप हमने एक लिखा है, आई को वन से इनिशियलाइज किया है, लेस देन टेन तक आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एक से लेके दस तक, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये वैल्यू हमको आउटपुट में दिखेगी। यहाँ पर एक कंडीशन हमने डाल रखी है डॉलर आई ग्रेटर देन फाइव, तो ब्रेक, ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि आई की वैल्यू पाँच से ज़्यादा होगी, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमने एक इको स्टेटमेंट लिखा है जिसमें डॉलर आई की वैल्यू को हमने प्रिंट किया है, ठीक है। तो जब ये लूप हम इटरेट करेंगे, मैन्युअली इटरेट करके देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है, ठीक है। पहली बार में डॉलर आई की वैल्यू है वन, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि वन इज सॉरी कंडीशन वन ग्रेटर देन फाइव फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा और वैल्यू प्रिंट होगी इको वन। टू के लिए भी चेक करें, टू ग्रेटर देन फाइव है क्या, नहीं, तो भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आउटपुट में आएगा टू। इस तरह से आउटपुट में आएगा थ्री फोर फाइव, आई प्लस प्लस की वजह से वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है, तो अप टू फाइव हमें इको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही वैल्यू पाँच से ऊपर होगी ये कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये है प्रोग्राम HTML बॉडी, ये PHP के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है ऊपर और यहाँ पर एक फॉर लूप लिखा है वन से लेकर टेन तक, इफ़ डॉलर आई ग्रेटर देन फाइव तो ब्रेक, ठीक है, और वरना हमने इको से वन टू थ्री फोर फाइव ये प्रिंट करना है, ठीक है। डॉलर आई की वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट करना है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ब्रेक स्टेटमेंट वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, पाँच तक की वैल्यू हमें मिली है, ठीक है, पाँच से आगे की वैल्यू नहीं मिली है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पाँच से ऊपर होते ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और हम लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन ट्रू होते ही इको स्टेटमेंट स्किप हो जाता है और हम सीधे लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू जो प्रिंट होती है वो है वन टू थ्री फोर और फाइव, पाँच वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो किसी भी लूप को ब्रेक करने का काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो ये ब्रेक से अलग होता है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को एग्जिट कर देता है जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को वापस से शुरू कर देता है, ठीक है। ये लूप को जो है नीचे के स्टेटमेंट को स्किप करके लूप को वापस शुरुआत के पॉइंट पे ले जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक कंटिन्यू लिखा है डॉलर आई के अंदर ज़ीरो लिया है, आई लेस देन इक्वल टू फाइव आई प्लस प्लस, ये कंडीशन दी है। फिर डॉलर आई के अंदर हमने लिखा है इक्वल टू टू, तो जैसे ये दो होगा डॉलर आई इक्वल टू टू होगा तो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट कर देंगे, तो क्या होगा कि ऊपर चल जाएगा और नहीं तो इको स्टेटमेंट में हमने वैल्यू प्रिंट कर दी है, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। डॉलर आई ज़ीरो, अगर कंडीशन पहली बार में देखते हैं ज़ीरो इक्वल टू टू नहीं तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ज़ीरो, इसी तरह से वन भी प्रिंट हो जाएगा। जब टू स्टेटमेंट आएगा तो कंटिन्यू आ जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो कंटिन्यू होते ही क्या होगा हम फॉर लूप के ऊपर चल जाएंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या आउटपुट में मिलेगा, वन मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, वन मिलेगा लेकिन टू नहीं मिलेगा, थ्री फोर और फाइव भी मिल जाएगा आउटपुट में लेकिन टू वाला स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू की वजह से, ठीक है। इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ये रहा कंटिन्यू का प्रोग्राम, ठीक है। और ये आउटपुट देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट जीरो वन आया, टू नहीं आया, थ्री फोर फाइव आया, क्यों नहीं आया, टू इसलिए नहीं आया क्योंकि टू पर हमने कंडीशन डाल रखी है इफ आई इक्वल टू टू तो कंटिन्यू, तो कंटिन्यू की वजह से क्या होगा, इको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।